हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कोड मेटा चैनल। इस वीडियो में हम बात करेंगे फेच के पोस्ट मेथड की, जहां पे हम फायरबेस का यूज करके डेटाबेस में डेटा को सेंड करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने बात की थी फेच के गेट मेथड की, जहां पे स्वापी एपीआई का यूज करके हमने मूवीज को गेट किया था। स्वापी एपीआई बेसिकली हमें सिर्फ गेट की अथॉरिटी देती है, पोस्ट की अथॉरिटी नहीं है, यानी हम कोई भी डेटा वहां पे सेंड नहीं कर सकते। इसीलिए हम यहां पे फायरबेस का यूज करेंगे। फायरबेस है क्या? सबसे पहले फायरबेस एक क्लाउड सिस्टम है, जहां पे हम डेटाबेस को स्टोर कर सकते हैं, रियल टाइम डेटाबेस बना सकते हैं, अपनी फाइल को स्टोर कर सकते हैं, होस्टिंग ले सकते हैं, इस तरीके की चीजें हैं, और ये गूगल का प्रोडक्ट है। ठीक है, चलिए चलते हैं आगे। पर उससे पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन जरूर क्लिक करें। नाउ हम बात कर रहे थे फायरबेस की। जब फायरबेस को आप गूगल पे लिखते हैं और क्लिक करते हैं, यानी यहाँ पे सपोज आपने फायरबेस लिख दिया और इस फायरबेस लिंक पे क्लिक किया, तो उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का आता है। गेट स्टार्टेड के ऊपर आपसे यह आपकी ईमेल आईडी मांगेगा, उससे आप रजिस्टर हो जाएंगे। देन ये क्या करेगा, आपको कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर दिखाएगा, जहां पे आपके पास होगा ऐड प्रोजेक्ट का ऑप्शन। प्रोजेक्ट ऐड करने के लिए जैसे ही आप ऐड प्रोजेक्ट करते हैं, उसके बाद ये आपको बोलेगा कि आपका जो प्रोजेक्ट ऐड हुआ है, वहां पे आपको ऐड ऐप का ऑप्शन देगा। ऐड ऐप करते ही आपको कीज दे देगा। अब कीज से पहले, अगर हम दिखाने से पहले बात करें कि कीज किस तरीके की दिखती है, तो उससे पहले हम देखें कि हमारे लेफ्ट साइड में बहुत सारे आपको सेक्शंस मिलेंगे, जहां पे होगा फायर स्टोर, जहां पे आप डेटाबेस अपना बना सकते हैं और डेटा को स्टोर कर सकते हैं। दूसरा है रियल टाइम डेटाबेस, जिसके ऊपर हम बात करेंगे, जहां पे हमारा डेटाबेस हम स्टोर करेंगे। दूसरा, तीसरा स्टोरेज है, होस्टिंग है, इस तरीके की चीजें। ठीक, तो अब अगर हम बात करें कि अगर ऐड ऐप करते हैं तो हमारे पास क्या होता है, इस तरीके का कोड दिखता है ऐड ऐप करते ही, जहां पे आपके पास एपीआई कीज होंगी, डोमेन होगा, डेटाबेस यूआरएल होगा, उसका स्टोर बकेट होगा, ऐप आईडी होगी। यहां से हम हमारा डेटाबेस का यूआरएल निकालेंगे, जो इस तरीके का है हमारा डेटाबेस का यूआरएल, firebase.io.com। ठीक, ये समझ आया आपको। था क्या होता है कि कभी भी हम रियल टाइम का डेटाबेस बनाते हैं, जो कभी भी हम रियल टाइम का डेटाबेस बनाते हैं, तो उसके आगे जिस भी नाम की हमें टेबल चाहिए होते हैं, उसे टेबल डॉट जेसन कर देते हैं। कैसे, वो हम आने वाली वीडियो में देखेंगे। चलिए अभी चलते हैं हम हमारे फॉर्म पे। हम देखते हैं कि हमारा फॉर्म किस तरीके का दिख रहा था। हमारा जो फॉर्म है हमारी ऐप का, इस तरीके का था, जहां पे टाइटल है, ओपनिंग क्रॉल है, डायरेक्टर है, प्रोड्यूसर है, रिलीज डेट है। जैसे इसको हम सबमिट करेंगे, ये हमारा डेटा सेव हो जाएगा। चलिए देखते हैं अब हम कि इस कोड में हम ये रीड कैसे कर रहे हैं, सबसे पहले तो डेटा को। ठीक, चलते हैं हम हमारी app.js के अंदर। यहां पे हमने क्या किया, एक फॉर्म बनाया। देखो, इस फॉर्म में हमने टाइटल लिया है, लेबल, उसका इनपुट लिया है, जिसके अंदर हमने रेफ लिया है। ठीक है, ये रेफ आपको हमने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि किस तरीके से काम करता है। जब हम किसी इनपुट का डेटा गेट करना है, ओनली डेटा गेट करना है, उसकी स्टेट चेंज नहीं हो रही, तो हम रेफ का यूज कर सकते हैं। अब क्या किया, यहाँ पे हमने सारे फील्ड्स बना दी और बटन के ऊपर ऑन क्लिक सबमिट का बटन बना दिया। ठीक है, ये फॉर्म सबमिट होगा यहाँ से। जब ये सबमिट होता है तो हमारे पास क्या होता है, इस तरीके का डेटा आता है। ठीक है, अगर रेफ की बात करूं, ये जो टाइटल रेफ है ये किस तरीके से है, तो हम इसको कैसे लेते थे, इस तरीके से कि रिएक्ट से यूज रेफ की लाइब्रेरी निकाल के हम इस तरीके से बनाते थे, कॉन्स्ट टाइटल रेफ यूज रेफ, सबके लिए फील्ड अलग अलग रेफ डिफाइन कर लिए। इसमें और भी डेटा है, बट अभी आप उसको नेग्लेक्ट कीजिएगा, वो आने वाली वीडियो में देखेंगे, जहां पे हम कंप्लीटली फायरबेस की बात करेंगे। ये फायरबेस ट्यूटोरियल नहीं है, इसीलिए हम यहाँ पे ओनली फेच की बात करने वाले हैं। फायरबेस से कनेक्टिविटी रिएक्ट की कैसे होती है, उस पर काम किस तरीके से होता है, वो हम आने वाली वीडियो में देखेंगे। ठीक है, ये सब उसी के फंक्शन है। तो अगर हम देखें तो हमने क्या किया, रेफ का जो डेटा आया था उसको यहाँ पे गेट कर लिया। कैसे, रेफ डॉट करेंट डॉट वैल्यू, ठीक, टाइटल में इसमें डालिए, ऑब्जेक्ट बना लिया हमने। इस ऑब्जेक्ट को क्या किया हमने,
स्टोर करके रख लिया, अपना बना के रख लिया। अब क्या किया, फैच का बनाया। अवेट की हमने बात करी है कि अवेट का यूज क्यों करते हैं, ठीक। तो फैच से पहले हमने अवेट लगा दिया। फैच में हमने क्या किया, जो हमारा डेटाबेस का यूआरएल बना था ये वाला जो हमने भी दिखाया था आपको, उस डेटाबेस यूआरएल के आगे हमने क्या लिखा, टेबल का नेम डॉट जेसन, ठीक। तो इस नाम की टेबल अगर एग्जिस्ट हुई तो डेटाबेस उसमें चला जाएगा हमारी टेबल्स का, जो हमारी फील्ड होंगी। नहीं तो क्या करेगा, ये टेबल क्रिएट कर देगा अगर फर्स्ट टाइम है तो। और ब्रैकेट लगा के हमने क्या किया, मेथड लिया पोस्ट, यहाँ पे हम पुट भी यूज कर सकते हैं अपडेट के लिए। बॉडी लिया, बॉडी में हमने जो हमारा डेटा हमने ऑब्जेक्ट बनाया था उसको पास किया, कैसे, जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई, क्योंकि ये क्या होता है, जेसन फॉर्मेट में डेटा लेता है, ठीक। जेसन यहाँ पे अगर हम नाम देखोगे टेबल का तो वो भी क्या है, टेल डॉट जेसन है, ठीक। ये बाकी अब यहाँ पे हेडर भी डिफाइन कर सकते हो, या फिर स्पेसिफिक डोमेन की अथॉरिटी देनी है तो वो भी डिफाइन कर सकते हो, ठीक। तो जैसे ही हम इसको ऑब्जेक्ट जो वेरिएबल हमारा है फैच को गेट करके डेटा को डॉट जेसन करते हैं तो ये हमें जेसन फॉर्मेट में रिजल्ट दे देता है कि क्या रिजल्ट आया। अगर हम ब्राउजर पे जाएं हमारे और यहाँ पे डेटा को अगर सबमिट कर दें तो हमें क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पे हमें एक आईडी दिखने को मिल जाएगी, ठीक। तो ये आईडी क्या बताएगी कि भैया आपका एक नया टेबल ऐड हुआ है, टेबल ऐड हुआ है या फिर टेबल में एंट्री ऐड हुई है, ठीक है। अब ये एंट्री दिखती कैसे है आपको, अगर हम वापस चले हमारे इसके अंदर प्रेजेंटेशन में, तो ये एंट्री ऐसी दिखती है आपको, ऐसी दिखती है। मैं आपको कंसोल नहीं दिखा सकता अपना फायरबोस बेस का रिजल्ट, क्योंकि वो थोड़ा सिक्योरिटी रीजन से, ठीक। बट यहाँ पे मैंने आपके लिए एक स्ट्रक्चर तैयार किया है जहाँ पे आप देख सकते हो कि किस तरीके का हमारे को डेटा दिखेगा हमारा सबमिट होने के बाद, कैसे कि ये तो देखो हमारा जो यूआरएल था रियल टाइम डेटाबेस का वो था, उसके आगे हमने टेस्ट डॉट जेसन डाल दी थी। अब टेस्ट जो थी वो क्या बन गई, हमारी टेबल बन गई। टेबल में हमारे पास जो आईडी आ रही है कंसोल के अंदर वो ये वाली थी, और उसके अंदर बाकी जो हमारे रिकॉर्ड्स हैं जैसे टाइटल, रिलीज डेट, प्रोड्यूसर, ओपनिंग और डायरेक्टर, इस तरीके से आती है, ठीक है। तो इस तरीके से हम फैच के पोस्ट मेथड का यूज कर सकते हैं, पुट मेथड का यूज कर सकते हैं। अब दोस्तों आपको समझ आया होगा किस तरीके से ये काम होता है। ये कोड मैं आपको लिंक में ऐड कर दूंगा इसका, गिट से आप इसको कोड को ले सकते हो, जहाँ पे मैं अपने जो पर्सनल डिटेल्स है उनको हटा के आपको कोड दूंगा, ठीक है। तो आप अपनी वहाँ पे डिटेल ऐड करके कोड को टेस्ट कर सकते हो। आने वाली वीडियो में हम बात करेंगे फायरबेस, जहाँ पे कम्प्लीटली हम फायरबेस की बात करने वाले हैं कि वो रिएक्ट से कैसे कनेक्ट होता है फायरबेस, और उसमें रिजल्ट किस तरीके से आता है। वहाँ पे हम रियल टाइम डेटाबेस नहीं, फायर स्टोर डेटाबेस का यूज़ करेंगे, ठीक। तो उस वीडियो को आप मिस मत कीजिएगा अगर आपको फायरबेस से कनेक्टिविटी सीखनी है तो। और दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और समझ भी आएगा कि किस तरीके से हम पोस्ट मेथड के लिए ये काम करते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। सी यू नेक्स्ट वीडियो, गुड बाय।